नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने इसरो ने एक बार फिर से अपने सबसे हैवीएस्ट रॉकेट को LVM3 को कल उड़ान भरी है और 36 सैटेलाइट इसके साथ थे। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसरो के लिए भी, साथ साथ भारत के लिए भी, क्योंकि इसरो इससे बहुत अच्छी कमाई भी करता है जिसका प्रॉफिट इंडिया को होता है। तो यहाँ पर ये आप चीज़ समझ सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करवाने वाली बात है कि विदेश जो लोग हैं वो भारत से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा रहे हैं। भारत तो अपने सैटेलाइट्स पहुंचाता ही है, लेकिन विदेशों से भी ऐसा करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। अब अगली खबर जो है वो बहुत अच्छी भी है और बुरी भी, कुछ लोग कह रहे हैं। तो वो खबर क्या है कि कल, अभी दो दिन पहले माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इंडियन आर्मी राजस्थान के जैसलमेर में प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ पर टेस्ट के दौरान 3 मिसाइल मिसफायर हो गई। आपको ध्यान होगा, अब से 1 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी जो कि पाकिस्तान के बहुत अंदर तक घुसकर वहाँ पर जाकर ब्लास्ट हुई थी। उसके बाद ये हुआ था कि भारतीय मिसाइलों पर बात उठने लगी थी कि ये कहीं पे भी मिसफायर हो जाती है या ये हो जाती है, वो हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये टेस्ट का दौरान था, और दूसरा, यहाँ पर 3 मिसाइलों का एकदम से मिसफायर हो जाना तो पाकिस्तान की भी रूह कांपी हुई थी और बहुत सबक, क्योंकि ये पाकिस्तान की बिल्कुल सीमा के पास था और पाकिस्तान ये सोचता है कि मिसफायर नहीं किए, जानबूझकर किया गया है, एक काम है जिससे बाद में मिसफायर का नाम दिया जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सोचने की बात थी और बहुत ही दिक्कत वाली भी बात थी उनके लिए भी। पूरी मीडिया पे ये खबर छाई हुई थी कि भारत की 3 मिसाइल मिसफायर हो गई है, वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर आके गिर सकती हैं। इससे पाकिस्तान काफ़ी सदमे में था, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद पता लगा कि वो जो मिसाइल हैं वो इंडिया के ही अपने राजस्थान में गिरी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि वो टेस्टिंग के दौरान थी, जी हाँ, टेस्टिंग के दौरान थी और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल नहीं थी। उनकी जो रेंज थी वो 20 से 25 और मैक्सिमम 30 किलोमीटर की रेंज थी। शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को टेस्ट किया जा रहा था। अब बात आती है ये कि अगर ये ऐसे कर रही हैं, बहुत से लोगों का सवाल है, ये ऐसे कर रही हैं, अगर युद्ध के दौरान भी इन्होंने ऐसा ही किया तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट था नई मिसाइल्स का, जो नई मिसाइल भारत छोटी छोटी मिसाइल्स बना रहा है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, उनका टेस्ट था। और सेना में सिर्फ और सिर्फ वही मिसाइल शामिल की जाती हैं जिन्हें टेस्ट में 100% क्लियर पाया जाता है, उनके सफल परीक्षण होते हैं, बहुत सारे परीक्षण होते हैं, हर एक परीक्षण में सटीक मिलता है, तब जाके उन्हें सेना में शामिल किया जाता है। तो जो सेना में ऑलरेडी हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ टेस्ट के दौरान होता है। अब एक और बात यहाँ पर हम आपसे राय लेना चाहते हैं, तो राय हमारी ये है कि देखिए, लाखों करोड़ में एक कैरियर बनता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो सिप होता है वारफेयर के लिए, जो वार के लिए सिप होता है, वो लाखों करोड़ में बनता है। इससे अलग हमारी एक राय है, एक समझ है, आप बताइएगा कि ये एयरक्राफ्ट तो बनाने चाहिए, लेकिन हमें मिसाइल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल की कोस्ट निकालें गूगल से करें तो 50 करोड़ के आसपास की आती है, 50 करोड़ की। वहीं पर ब्रह्मोस की बात करें तो आई थिंक 5 करोड़ से कुछ इतने की है, 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा की। तो एक मिसाइल को हम मान लेते हैं कि 50 करोड़ की छोड़िए, वो 1000 करोड़ की मिसाइल बनती है। 1000 करोड़ की मिसाइल, अगर कोई ऐसी मिसाइल बन सकती है जो किसी भी कैरियर को ख़त्म कर सके, तो हमें कम से कम 1,00,000 करोड़ का जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक अलग पहुंच होती है, उस पर सिप भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ चलती हैं। लेकिन अगर हम 100 ऐसी मिसाइल अपने बेड़े में, अपनी सेना में शामिल कर लें, जिनसे कि चीन के पास जितने भी युद्ध पोत हैं उन्हें सारों को एक साथ ख़त्म किया जा सके, उनकी रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर हो, किसी भी रडार की पकड़ में ना आए, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो चीन की या किसी भी देश की एकदम से कमर तोड़ सकते हैं। हमारा मानना तो ये है कि ऐसी हमारे पास 100 मिसाइल तो होनी चाहिए कम से कम, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर प्राइज़ में ही बन जाएंगी। एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना अलग महत्व है, मिसाइल का अपना अलग महत्व है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो किसी भी देश की कमर हम मिनटों में तोड़ सकते हैं, उसकी नेवी को वहीं के वहीं ख़त्म कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय